ट्रिपल आर का तूफान आने वाले हैं 25 मार्च को पूरी दुनिया में, और तीनों ट्रिपल आर का कॉम्बो यानी कि ब्रजमौली साहब, मेगा पास्टर रामचरण और यंग टाइगर रामा राव ने मिलकर अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को क्या क्या दिया है उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। और अगर आप फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा, एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। स्टूडेंट नंग वन, और ये रहा फर्स्ट कॉम्बो यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और राजामौली साहब का, जो 2001 में आई कमिंग ऑफ एज एक्शन फिल्म, जहाँ पर एनटीआर को लॉ कॉलेज का स्टूडेंट के रोल में नजर आया था। और बता दोस्तों, इस फिल्म का फुटफॉल यानी कि टिकट सेल हुआ था 1 करोड़ में, और ये फिल्म 200 डेज तक थिएटर पर काफी सक्सेसफुली रन किया था। और जहाँ पर स्टूडेंट नंग वन का बजट था 1 करोड़, और इसका राइट सोल्ड हुआ था 2.75 करोड़ में, और इसका इंडियन कलेक्शन रहा 12 करोड़, और वर्ल्ड वाइड पर स्टूडेंट नंग वन कलेक्शन क्या है 15 करोड़। ऐसे करके फिल्म रहा सुपरहिट। अभी राजामौली और इंडियन का फर्स्ट कॉम्बो फिल्म का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करूँ तो बता दोस्तों, इसी फिल्म के साथ इंडियन का नंबर 1 राइटर राजामौली साहब का हुआ था डेब्यू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्म रामा राव की कैरियर में फर्स्ट सुपरहिट फिल्म था, और स्टूडेंट नंबर 1 को बाद में रीमेक की गई है तमिल भाषा में और ओडिया भाषा में। और बता दोस्तों, इसी फिल्म का हर गाना का कंपोजर रहा एमएम किरावानी ने, और उन्हें इक्कादु पुत्ती गाना के लिए नंदी अवार्ड फॉर प्लेबैक सिंगर अवार्ड जीता है। नंबर 2, सिम्हाद्री। और 2003 में आई यह और एक बार एनटीआर और राजामौली साहब का सेकेंड कॉम्बो, जहाँ पर कस्तूरी और राम के प्यार को लेकर फैमिली फाइटिंग को दिखाई है, जहाँ पर बजट था 7 करोड़, इंडियन पर कलेक्शन रहा 26 करोड़, वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन रहा 32 करोड़, और ये रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। और फुटफॉल की बात करूँ तो वो सोल्ड हुआ था 1 करोड़ 20 लाख में, और ये फिल्म 175 डेज तक थिएटर पर रन किया था। अभी कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो 1982 का मेगा स्टार कमाल हसन का फिल्म वसंत था कोकिला, ये फिल्म देखने के बाद राइटर के वी विजेंद्र प्रसाद यानी कि राजामौली साहब का पिता के दिमाग में सिम्हाद्री लिखने का आइडिया आया था। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस फिल्म को बाद में टोटल 3 लैंग्वेज में रीमेक की गई है, जैसे कि तमिल में गजेंद्रा, कन्नड़ा में कांती रवा, और बांग्लादेशी बांग्ला भाषा में दूरदर्श। नंबर 3, यामा दोंगा। साल 2007 में एनटीआर और राजामौली साहब का और एक कॉम्बो आई, और बता दोस्तों, इसमें राजा के साथ यामा का फाइटिंग को दिखी है, और इसका स्टोरी काफी डिफरेंट टच का था, जहाँ पर इसका बजट था 15 करोड़, और इसका कलेक्शन रहा 36 करोड़। ऐसे करके ये फिल्म एनटीआर का कैरियर में सेकेंड फिल्म है जो 25 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। और ये फिल्म 120 डेज तक थिएटर पर रन किया है, जिसका फुटफॉल रहा 80 लाख, और ऐसे करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। अभी बात करती हूँ कुछ फैक्ट्स को लेकर, जहाँ पर इसका शूटिंग पे 148 डेज तक शूट की गई है। और दूसरी तरफ दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनटीआर ने अपनी इसी फिल्म के लिए 10 kg वेट लॉस किया था, यानी कि इसी फिल्म के लिए उनको करना पड़ा एक हेवी हार्ड वर्क। नंबर 4, मगाधीरा। और 2009 में इस बार एनटीआर के साथ नहीं बल्कि मेगा पास्टर रामचरण के साथ राजामौली साहब का कॉम्बो नजर आई है, और ये फिल्म है पुनर्जन्म पर बेस्ड। इसमें एक बाइक स्टंटमैन एक योद्धा के रूप में कैसे अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखी है, और ये फिल्म उस वक्त का मोस्ट हाइप वाला फिल्म था, जिसका फुटफॉल यानी कि टिकट सेल हुआ है 2 करोड़ प्लस में, और ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंगली 1000 डेज तक रन किया था 2010 से 2012 साल तक, और उस टाइम पे ये फिल्म रहा साउथ का लॉन्गेस्ट रन वाला फिल्म, जिसका बजट था 30 करोड़, इंडिया पर कलेक्शन रहा 110 करोड़, वर्ल्ड वाइड पर कलेक्शन रहा 150 करोड़। ऐसे करके मगाधीरा फिल्म इंडस्ट्री हिट साबित थी। अभी कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो ये फर्स्ट फिल्म है जो 50, 60 और 70 करोड़ पार किया था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। और दूसरा पॉइंट ये है कि फिल्म उस वक्त टॉलीवुड का ऑल टाइम हाइस्ट ग्रॉसर फिल्म था। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें रामचरण का घोड़े बादल को यूज की गई है एक वार सिक्वेंस के लिए। और बता दोस्तों, इसका डब्ड रिलीज हुआ था जापान पे 2018 में, और जापान पे ये फिल्म कलेक्शन किया है 1.2 मिलियन US डॉलर। ऐसे करके रहा उस वक्त इंडिया का सेकेंड हाइस्ट ग्रॉसर फिल्म जापान का, जहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं थलाइवा रजनीकांत का फिल्म मुथु। और मगाधीरा का जो शेयर कलेक्शन था उस वक्त इंडिया का हाइस्ट था, पर बाद में
मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का फिल्म टू इडियट्स रिलीज होने के बाद ये रिकॉर्ड नहीं रहा। नंबर 5 ट्रिपल आर। और सभी लोग जानते हैं कि मैजिकल कॉम्बो है मेगा पास्टर रामचरण जूनियर इंटीआर और राजामौली साहब का। और अभी जिस फिल्म के लिए पूरी इंडिया काफी एक्साइटेड है और ये प्री इंडिपेंडेंस एरा पर बेस्ट फिल्म है, जहाँ पर रामचरण को अल्लूरी सीताराम राजू और जूनियर एनटीआर को कुमारम भीम के रोल में नजर आएंगे। अभी कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो 1150 लोकेशन लेकर यूएसए पर ट्रिपल आर ऑल टाइम रिकॉर्ड शो हासिल किया है। और दूसरा बात यह है कि 18 करोड़ का एक गांव का सेट बनाया गया था ट्रिपल आर का, जहाँ पर कोविड पे शूटिंग करने का प्लान था। और अतः दोस्तों, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि राजामौली साहब ने मार्केटिंग करने में बॉस है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिल्मों को सारी इंडिया के साथ ही साथ इंटरनेशनली मार्केटिंग करी है, वो वाकई ही कमाल का है। और सारे प्रमोशन के लिए प्रमोशन इवेंट पर खर्च रहा 50 करोड़ का। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट एक्शन सीन के लिए, जहाँ पर राम और जूनियर इंडिया के साथ 2000 जूनियर आर्टिस्ट शामिल था, इस सीन का शूटिंग के लिए लगभग 45 करोड़ का खर्च हुआ है। अभी बात करती हूँ प्री रिलीज बिजनेस को लेकर, जहाँ पर अभी तक की ट्रिपल आर का टोटल प्री रिलीज बिजनेस हुआ है 890 करोड़ का, और जो अभी तक की पूरी इंडियन हिस्ट्री पर एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। और साथ ही साथ यह है एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। बता दोस्तों, ऑलरेडी ट्रिपल आर का टीम ने प्रॉफिट किया है 340 करोड़ का। अभी बात करती हूँ ट्रिपल आर का प्रेडिक्शन को लेकर, जहाँ पर यह फिल्म बाहुबली से काफ़ी बड़ा करके बनाई जा रही है। और सभी लोग जानते हैं कि ट्रिपल आर का हाइप किस लेवल पर है। बता दोस्तों, जहाँ पर इसका 400 करोड़ का बजट था, पर सारे कास्ट और क्रू का सैलरी को देकर लगभग 550 करोड़ का बजट हो जाते हैं, और जो एक ह्यूज अमाउंट है। और अगर प्रेडिक्शन की बात करूँ तो ट्रिपल आर का एडवांस बुकिंग और प्री सेल से ही पता चलते हैं कि फर्स्ट डे पर एक धमाकेदार कलेक्शन करने वाले हैं ट्रिपल आर। और फर्स्ट डे प्रेडिक्शन की बात करूँ तो ट्रिपल आर का ओपनिंग पर 200 करोड़ का एक तगड़ा कलेक्शन हो जाएगा। अभी बात करते हैं लाइफ टाइम प्रेडिक्शन को लेकर, जहाँ पर ट्रेड एनालिसिस के मुताबिक हो सकते तो ट्रिपल आर फिल्म अपने लाइफ टाइम कलेक्शन पे 2000 से 2500 या फिर 3000 तक कलेक्शन भी कर सकते हैं। और जहाँ पर ट्रिपल आर को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से 900 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन उठाना पड़ेगा। तो सबको क्या लगता है, क्या बाहुबली का रिकॉर्ड ट्रिपल आर तोड़ सकते हैं या नहीं, कमेंट पे बताइएगा। और आपका ट्रिपल आर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्या कॉन्फर्म है? और आपको क्या लगता है, ट्रिपल आर का फर्स्ट डे और लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, कमेंट पे बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और उसके बॉलीवुड साथ ही न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।